Hello friends, welcome to Scholastic classes. Today we are going to talk about and discuss about control and coordination in plants. प्लांट की जो मूवमेंट होती है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पांस में होती है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज द नास्टिक मूवमेंट एंड सेकंड इज द ट्रॉफिक मूवमेंट. नाउ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो पांच कॉमन एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, जैसे जनरली लाइट है, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच. नाउ नास्टिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट विच आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट एंड ट्रॉफिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ डिपेंडेंट. So let's discuss first about the trophic movements which are growth dependent. Now trophic movements जो होती है वो stimulus के basis पे हमने उनका नाम जो है वो type दिया हुआ है. Light अगर stimulus है then the type of trophism is called phototrophism. Photo means light. And then gravity, if the gravity is a stimulus then that is called geotrophism, right? And then chemical, if the chemical is a stimulus then chemotrophism. Then hydrotrophism, the stimulus is water in this case. And thigmotrophism, in this case, the stimulus is touch. Now, the response of plant to light, that is called phototrophism. Now, phototrophism को हम दो parts में, दो category में डाल रहे हैं. या तो वो positive phototrophism है, या फिर negative phototrophism है. So, अगर plant जो है, वो move करता है towards the light, that is called the positive phototrophism. That is, हम जैसे stem का example लेते हैं, अगर stem जो है, वो grow कर रही है towards the light. अगर सपोज हमने एक प्लांट को रखा एंड दैट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स दैट लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोफिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोफिज्म. द नेगेटिव वुड बी जो रूट्स होती है प्लांट की वो अवे फ्रॉम लाइट मूव करती है. सो दे आर, दे कम अंडर नेगेटिव फोटोट्रोफिज्म. नाउ मूविंग ऑन टू जियोट्रोफिज्म. जियोट्रोफिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, राइट. नाउ इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी इज जियोट्रोफिज्म. Now, जो रूट्स होती है प्लांट्स की दे मूव डाउनवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो दे आर पॉजिटिव जियोट्रोफिक, राइट. सो हियर वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ रूट्स, दे आर पॉजिटिव जियोट्रोफिक. नाउ मूविंग ऑन टू कीमोट्रोफिज्म. कीमोट्रोफिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू केमिकल स्टिमुलस. प्लांट का पार्ट जो है इट मूव टूवर्ड्स द केमिकल, दैट इज पॉजिटिव chemotrophism. On other hand, agar it moves away from the chemical, then that is negative chemotrophism. For example, hum dekh sakte hain ki agar jaise process of fertilization hota hai flowers mein, if you remember that you have started in class 8 also, to pollen tubes jab grow karti hai stigma pe, pollen grains jab grow karte hai stigma pe, so pollen tube ki jo growth hoti hai it is towards the ovule. Now this is called the positive, this is an example of the positive chemotrophism. Why? Because in this case the stimulus is the pollen grains, and pollen grains jo hai that due to that there is a development of pollen tube. Now this is positive chemotropism, right. Now next is hydrotrophism. Hydrotrophism in this case the response, the plant moves towards the water. So we can take an example of roots. Again roots jo hote hai प्लांट के दे ऑलवेज गो टूवर्ड्स द वॉटर, सो दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोफिक. देन मूविंग ऑन टू थिग्मोट्रोफिज्म. इन दिस केस द क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं सच एज टेंड्रिल्स, दे ग्रो टूवर्ड्स एनी सपोर्ट, जो भी उनके पास सपोर्ट होगा वो उस पर ग्रो करेंगे. एंड दिस हैपन्स वाई, बिकॉज ऑफ द टच, उस सपोर्ट की टच की वजह से दे ग्रो एंड दे वर्ल और स्वेल अराउंड द सपोर्ट. सो जो टेंडरल्स होते हैं, एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, टेंडरल्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोफिक. मूव ऑन टू नास्टिक मूवमेंट्स. नाउ नास्टिक मूवमेंट्स दे आर इंड्यूस्ड बाय स्टिमुलाई सच एज हीट, लाइट एंड टच, राइट. सो हमने अभी पढ़ा था ट्रोफिक मूवमेंट्स के बारे में. ट्रोफिक मूवमेंट्स वर डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, वेयर एज नास्टिक मूवमेंट्स दे आर नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टिमुलस, राइट. So they are non-directional. Example you can take of Mimosa pituca, जिसको हम touch me not plant भी बोलते हैं. उसमें stimulus क्या रहता है? Touch. So as soon as we touch that plant, तो response क्या रहता है? Leaves जो होते हैं, they curl up and they droop. So this is an example of nastic movement. This is also called thigmonasty. Thigmo is touch and nasty is the nastic movement. So thigmonasty, right? Another example here we can take for dandelion flowers. Now in this case, stimulus होता है light. राइट,
सो रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर ब्राइट लाइट होती है तो जो पेटल्स होते हैं डैनियल फ्लावर के दे ओपन अप इन द मॉर्निंग, एंड डिम लाइट के केस में दैट इज ड्यूरिंग इवनिंग जो पेटल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. सो डैनियल फ्लावर में दिस इज फोटो, दिस इज कॉल्ड फोटो नेस्टी. फोटो इज लाइट एंड नेस्टी इज नेस्टिंग मूवमेंट. सो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस विच इज लाइट, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू राइट मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर.